हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं शहतूत का कटिंग लगाऊंगी। मोटी मोटी कटिंग है, मेरे घर के पीछे प्लांट है बड़ा सा, तो उसी में से कटिंग काट के लाई हूँ। तो कटिंग्स थोड़े ख़राब है, यहाँ पे सड़न लग गए हैं, तो फिर भी मैं लगाऊंगी इसको, ग्रो करूंगी फंगीसाइड लगा के। तो बहुत जगह इसमें फंगस लग गए हैं मलबेरी का प्लांट में। छोटी वाली शहतूत है जो छोटी छोटी होती है, लेकिन उसका प्लांट बहुत बड़ा है मेरा घर में, तो उसी से मैं मोटी मोटी ब्रांचेस काट के लाई हूँ। तो जहाँ जहाँ सड़न लगी है वहाँ मैं साफ़ कर दी हूँ चक्कू के, कोई भी चक्कू या किसी के सहारे, कटर वटर के सहारे साफ़ कर दी हूँ। साफ़ करके वहाँ पे फंगीसाइड लगा के मैं इसको ग्रो करूँगी। तो बहुत मोटी मोटी ब्रांच है, तो मैं ऐसे आरी जो होते हैं उसी से काट के लाई हूँ। तो लगा के देखूँगी, उसके बाद इसमें जब रूट निकलेंगे तो मैं बोनजाई जैसा लुक देने का कोशिश करूँगी। तो तीन ब्रांचेस हैं, एक में जो ब्रांच दिख रही है पतली पतली, उसको मैं ऐसे ही ग्रो करूँगी किसको, क्योंकि इसी को मेरे को बोनजाई बनाने का है, क्योंकि इसमें ब्रांच है जो उसी को मैं मोड़ के बोनजाई जैसा लुक दूँगी। ये भी सड़ गया था, ये भी मैं सड़न इसका हटा दी हूँ कटर की मदद से। तो इसका जो पतली ब्रांचेस है इसको थोड़ी बांध देती हूँ, और ये टेढ़ा है ऐसे ही इसको ग्रो करूँगी। तो दो में तीन ब्रांचेस हैं, तो दो को मैं कोकोपीट में ग्रो करूँगी, कटिंग्स को लगाऊँगी। तो ये कोको फाइबर है जो नारियल का रेशे होते हैं, वही नीचे डाल दे रही हूँ ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो ये कोकोपीट में दो लगाऊँगी, और एक मिट्टी और कोकोपीट को मिला के, दोनों को मिला के एक में ग्रो करूँगी कटिंग को। तो देखिए मैं अभी लगा के रख दूँगी, जब एक महीना या 20 दिन में आएंगे इसके रूट तो मैं दिखाऊँगी। तो ये रूटिंग हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन लगा के ही ग्रो करूँगी, क्योंकि बहुत मोटे ब्रांचेस है ये। ऐसे भी लगाने से हो जाते हैं, मलबेरी के जो टहनी होती है बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं, फिर भी मैं लगा देती हूँ ताकि ये मरने का कोई चांस ना रहे। और ये फंगीसाइड है, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, मैं साफ फंगीसाइड ली हूँ। जहाँ जहाँ सड़न लगे थे वहाँ वहाँ लगा देती हूँ, और ऊपर भी थोड़ा लगा दूँगी ताकि ऊपर सूख ना जाए। तो इसका प्लास्टिक फट गया है, तो मैं कोई और प्लास्टिक लगा दूंगी। ये बैग लगा, इससे भी नहीं हुआ तो मैं दूसरा एक सफ़ेद ऊपर से लगा दी हूँ, उसी का ऊपर से प्लास्टिक। फिर मैं इसमें होल कर दूंगी चक्कू के सहारा से, देखिए चक्कू के मदद से मैं होल कर दे रही हूँ ताकि इसमें पानी ना रुके। ऐसे करके दोनों को मैं कोकोपीट से ही लगाऊंगी, और नीचे रेशे डाल दूंगी, नारियल के जो रेशे होते हैं, नारियल का जो फल होता है वो सूख जाने के बाद जो कोकोपीट निकालते हैं तो ये रेशे बच जाते हैं, वही रेशे है ये कोको फाइबर। तो इसमें भी मैं वो लगा दे रही हूँ फंगीसाइड। जहाँ जहाँ सड़न है वहाँ तक थोड़ी सी ज़्यादा लगाऊँगी, अंदर तक मैं घोल के डाल दे रही हूँ ताकि फिर जो उसका सड़न है वहीं तक रहे, आगे ना बढ़े। और इसमें थोड़ी रूटिंग हार्मोन भी लगा दे रही हूँ, लगा के इसको भी ग्रो करूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे ब्रांच काफ़ी मोटी है, तो इसमें पानी डाल दे रही हूँ, पानी डाल के रख रही हूँ। और दूसरे तीसरे वाले को मैं मिट्टी और कोकोपीट में मिश्रण में दोनों को मिला के लगाऊँगी, देखती हूँ कौन पहले होते हैं, मिट्टी वाले होते हैं या कोकोपीट वाले होते हैं, जो कोकोपीट मिक्स है और मिट्टी मिक्स है वो होते हैं। तो जो पहले रूट निकलेगा, जिसका पत्ती उत्ती निकलेंगे लीव्स, तो मैं उसी का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऐसे करके साफ फंगीसाइड जो है प्लास्टिक में था, मैं घोल के रख दी डब्बा में, वही पानी में डाल दूँगी क्योंकि सड़न तो है ही इसमें। और ये लास्ट में मैं रूटिंग हार्मोन थोड़ी सी इसमें लगा देती हूँ ताकि आसानी से रूट निकल जाए। एक ब्रांच लाई थी, उसको मैं तीन हिस्सा में काट के तीन पीस कर ली थी, वही तीनों को लगा रही हूँ। तो इसमें पतली जो ब्रांच है तो मैंने निकाली हूँ, ऐसे ही ग्रो करूँगी इसको। तो ये बहुत नीचे झुका हुआ है, टेढ़ा है, तो वैसे ही लगा दूँगी, एक लकड़ी के सहारा से हल्की से बांध दूँगी।
तो इसको इसमें लगा रही हूँ। तो इसमें फ्रूट भी आते हैं छोटी छोटी, पहले ग्रीन होती है, फिर थोड़ी सी रेड होती है, फिर लास्ट में जाके बिल्कुल ब्लैक हो जाती है इसके फ्रूट्स। खट्टी मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो मैं कल वीडियो डाली थी, बताई थी आप लोगों को, आज वेस्ट मटेरियल से बनाऊंगी। बनाई तो थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई, ये प्लेन पानी डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे से ही डिलीट हो गया वीडियो। तो कल फिर बनाऊंगी, बना के फिर मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। जो मच्छरदानी से मैंने बनाया था वैसे दूसरा डिज़ाइन का बना के रखी थी, तो वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं ये पहले का वीडियो है इसी को डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं तीनों लगा ली हूँ, अब मिलूंगी जब इसके पत्ते और रूट निकलेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।